बहन के रिश्ते की तहत हम सब बहनों को आगे बैठने के लिए जाएंगे। ए विशु आप लोग पीछे हो जाओ भैया, थोड़ा थोड़ा कुछ सूचना इधर आ जाओ, जिसको धूप लग रही है सबको बता चुके हैं। आ जाइए बीमार हो जाएंगे भाई। दादा आप भी उठ जाइए, क्योंकि इधर दूर ज्यादा क्योंकि ये चाहते हैं हम थोड़ा दिन अराजकता करें, ये धरना बंद करा दे। धरना चलाना है कि बंद करना है? आप देख रहे होंगे अनवरत धरने के चौथे दिन ही शिक्षा मंत्री के मुंह से शिक्षा भर्ती की बात करवाया कि नहीं करवाया? तो शिक्षा मंत्री आज बोल रहे हैं विचार करने के लिए, कल इनके मुख से हम अगर आपको साथ देंगे इन्हीं के मुख से भर्ती का विषय पर कह चुका हूँ भीड़ बढ़ेगी, सारी कोचिंग कोई भाई खड़ा नहीं रहे। देखिए अरे आप लोग शांत रहो भाई, आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, आप लोग बैठ जाइए। आप सभी साथियों से कहना है कि आप सभी लोग आए। साथियों आप सबसे निवेदन है, जो लोग कोचिंग संस्थान में निकल चुके हैं वो पत्थर गिरजा घर आ जाए, और शांतिपूर्ण तरीके से मैं कह रहा हूँ 8 तारीख को राष्ट्रपति जी का आगमन है। आप देखे होंगे हर जगह प्रशासन बहुत चौकन्ना है, हमारे खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है, और अगर आप अधिक संख्या में आएंगे तो देखिए मेरी गिरफ्तारी ना हो, नहीं ये शाम मेरी गिरफ्तारी करके भाई फसल डाउन हो गया है। यहाँ लाइट का पोल हम लगवाएंगे हैं, भेजे हैं, चार्ज होके आएंगे तो आवाज पहुंचेगी वहाँ पर। तब तक मेरे कुछ दिल की बातों को सुनो, मेरे नृत्य को समझ कर ये समझो व्यक्ति कहना क्या चाहता है। अगर आप वो कई शिक्षक भर्ती चाहते हैं तो समझ जाएंगे। देखो भीड़ बहुत होगी, इधर आ जाइए, जो लोग खाली इधर आइए, छाव में आइए, खाली बगल 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 में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ साथियों, जब तक हम आप एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम आप कदम न कदम मिला हमारा हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप सब शांतिपूर्ण तरीके से घर आगे बैठ जाइए। क्या इससे धरना चल सकता है? क्या बताओ भी इससे धरना चलेगा जिससे सब खड़े हैं? नहीं बैठोगे? अरे आपसे
करना है। देखिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बैठ जाइए तुम लोग। इधर आ जाओ भी आते हैं। आप सब बैठ जाइए, आ जाओ इधर आ जाओ। जिसको धरना नियंत्रित हो जाता है, हम चाहते हैं कि पूरे गांधी वाली तरीके से संख्या को भरेंगे, उस मैदान को भर करके अपनी मांग को एकदम आवाज बुलंद करके शिक्षा मंत्री के बयान वापस लेने के मजबूर करेंगे। देखो उस वीडियो को देख कर सोचने वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत बयान दिए गए हैं मंत्री द्वारा, उनको बदलाने का काम हम सबने किया है। यही शिक्षा मंत्री के